हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीप्ति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल दीप्स लर्निंग हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज होली है और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में होली में कई सारे रंग भरें और आप सभी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ और कुछ अच्छा अचीव करने की कोशिश ज़रूर करें। आप सभी को मेरी तरफ से वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी होली गाइज। ओके, आप सभी को पता है कई दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पाई थी। होली आ गई है, घर आ गए थे, घर में बहुत सारे काम होते हैं, गुजिया वगैरह खाने में हम भी बहुत बिजी हुआ थे, इसलिए चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आज हम एक नया सेशन लेकर आए हुए हैं। नए सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि एक नई सीरीज़ हम लेकर आए हुए हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी कि जिसे पायरोनीम्स कहते हैं। बहुत आसान है शब्द और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट की शुरुआत करते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसे समझते हैं और उसके बाद अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि लोग चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में तरक्की तो करें, लेकिन लोग ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा तरक्की करें। इस बात से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है कि आप कभी भी ऐसे मत सोचिए कि हाँ कोई आपका भला सोच रहा है। हो सकता है आपका भला सोच रहा हो, लेकिन वो इतना भला भी नहीं सोच सकता है कि आप उससे आगे कभी निकल सकें। इसलिए दोस्तों, जो आपको सही लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसको अपनी लाइफ में कीजिए और गलत काम मत कीजिए। जो आपको सही लगता है वो आप करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे पूरी तरह से और खुशी तरीके से जीना रहेगा, ठीक है। तो आज की हम शुरुआत करते हैं सेशन की, देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में क्या है। हम लोग, मैं आपको पहले ही बता चुकी कि आज हम लोग पायरोनीम्स पढ़ने वाले हैं। पायरोनीम्स का मतलब क्या होता है, बहुत आसान है, हो सकता है आपको कुछ नया लग रहा हो, लेकिन बस ये नाम नया है, यहाँ इसके अंदर कुछ नया नहीं है। पेयर ऑफ वर्ड्स, दो पेयर ऑफ वर्ड मिलेंगे आपको, बहुत माइनर डिफरेंस रहता है दोनों वर्ड्स में, ठीक है। आप सभी को लगेगा कि भाई कन्फ्यूज़न रहता है बहुत मीनिंग्स में, उनके हम लोग आज पांच वर्ड सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। 5 से 10 मिनट का सेशन रहेगा और इस 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपने एग्जाम में 2 से 3 नंबर आसानी से सही कर पाएंगे, आई प्रोमिस यू ऑल। चलिए देखते हैं आज हमारी फर्स्ट स्लाइड क्या है। फर्स्ट स्लाइड में हमारे दो वर्ड्स हैं, ठीक है, बोल्डर और बॉर्डर, ठीक है। बोल्डर और बॉर्डर में आप सभी देख पा रहे हैं माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। मीनिंग में सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है और मीनिंग बिल्कुल बदल गया है, ठीक है। बोल्डर, बोल्डर पहले हम समझेंगे, बोल्डर फिर हम समझेंगे बॉर्डर। बोल्डर क्या होता है, अ स्टूडेंट हु लिव्स इन अ हॉस्टल, मतलब कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो कि हॉस्टल में रहता है। मैं भी हॉस्टल में रहती हूँ, आई एम अ बोर्डर टू, ठीक है। आप में से कई लोग भी हॉस्टल में रहते होंगे, बेसिकली जो घर से बाहर रहते हैं उन्हें बोर्डर कहते हैं। इसका यूज़ हम देखेंगे और यूज़ के बाद आप इस शब्द को आसानी से समझ पाएंगे। यू आर नॉट जस्ट अ बोर्डर हियर, यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, मतलब कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी इंसान है जो बाहर रह रहा है, उसके लैंडलॉर्ड उससे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे सिर्फ एक बोर्डर नहीं है, मतलब आप एक स्टूडेंट नहीं है जो बाहर से आए हुए हैं, आप बेसिकली हमारी फैमिली का एक पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। आई होप गाइज आप सभी को इस बात की इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। बात करेंगे बॉर्डर की। बॉर्डर आपका क्या होता है, बॉर्डर होता है मार्जिन। बॉर्डर बेसिकली कोई भी आप कपड़ा पहनते हैं तो जो किनारी बनी होती है उसे हम बॉर्डर कहते हैं। यूज़ क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं कि द बॉर्डर ऑफ हर सूट इज़ ब्लैक, मतलब उसके सूट का जो बॉर्डर था वो ब्लैक था। आई होप गाइज आप सभी को ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे दो वर्ड्स फिर से आए हुए हैं, ब्राइडल एंड ब्रिडल। ब्राइडल और ब्रिडल में आप सभी देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक लेटर में डिफरेंस आया हुआ है और इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। दोनों शब्द हम समझेंगे, उनके यूजेस देखेंगे और इसके बाद आपको ये दोनों शब्द क्लियर हो जाएंगे। ब्राइडल, ब्राइडल क्या होता है, रिलेटिंग टू अ ब्राइड और अ वेडिंग, ठीक है। आई होप ये बात आपको पहले से पता होगी, ठीक है। यूज इसका क्या है देखते हैं। आई अटेंडेड हर ब्राइडल सेरेमनी, मतलब मैंने उसकी ब्राइडल सेरेमनी को अटेंड किया, ठीक है। दूसरा शब्द है हमारा ब्रिडल। ब्रिडल क्या होता है, अ हॉर्सेस हार्नेस, ठीक है। हॉर्सेस हार्नेस बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे, जब घोड़ा चलाया जाता है तो जो चलाने वाला होता है वो अपने हाथ में उसकी लगाम पकड़े रहता है, ठीक है, उसी को हम ब्रिडल कहते हैं। इसका यूज़ क्या है, सी टूक द ब्रिडल इन हर हैंड्स, मतलब जो घोड़े की लगाम थी वो उसने, लड़की ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, ठीक है। आई होप दोनों आपको वर्ड्स क्लियर होंगे। आप दो वर्ड्स सीख चुके हैं, दोनों के यूजेस देख चुके हैं और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरीज तुरंत के तुरंत सॉल्व की जाएंगी। बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे दो वर्ड्स फिर से आए हुए हैं, चेस्ट एंड चेस्ट।
चेस्ट और चेस्ट में क्या डिफरेंस होता है आज हम सभी लोग इस बात को जानेंगे। चेस्ट क्या होता है, सिंपल और विदाउट ऑर्नामेंट, मतलब बहुत सिंपल, या फिर जिसमें बेसिकली ऑर्नामेंट क्या होता है, आभूषण होता है। आभूषण क्या होता है आप समझ पा रहे होंगे, मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ बिना किसी भी एक्स्ट्रा ऐसे शो ऑफ के या फिर ऑर्नामेंट्स के, ठीक है। इसका यूज़ क्या है देखिए, इट वॉज अ चेस्ट केस बट सी कुड फील द पैशन एंड प्रॉमिस इन इट। आई होप आप सभी इसका मीनिंग समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल सिंपल, इट वॉज अ चेस्ट केस बट लेकिन सी कुड फील द पैशन, मतलब चेस्ट किस थी, सिंपल किस थी, लेकिन वह इसमें पैशन और प्रॉमिस फील कर सकती थी, ठीक है। चेस्ट का मीनिंग आपको समझ में आ गया। चेस्ट की बात करेंगे, चेस्ट का मतलब होता है, यू गाइज नो इट आई होप, आप सभी को पता होगा, चेस्ट मीन्स होता है छाती या सीना, इसका हिंदी में मतलब ये होता है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, लेट मी मेजर योर चेस्ट, मतलब बेसिकली फिजिकली जब आप ऐसे ट्रेंड होते हैं या फिर चेक किया जाता है किसी भी एग्जाम के बाद मेडिकल फिटनेस के लिए, तो ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, लेट मी मेजर योर चेस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये बात वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे कॉप्स और कोप्स नाम के दो वर्ड हैं। देख पा रहे होंगे दोस्तों आप सभी कि एक लेटर का डिफरेंस है और दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। कॉप्स की बात करेंगे, कॉप्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ द आर्मी, CORPS। ध्यान से मीनिंग्स को आप देखिएगा, बस एक एक मीनिंग में एक लेटर की वजह से आपका एक नंबर तुरंत जा सकता है, ठीक है। CORPS ब्रांच ऑफ द आर्मी। यूज़ क्या है, दीपक इज अ मेंबर ऑफ नेशनल कैडेट कॉप्स, ठीक है, दीपक नेशनल कैडेट कॉप्स में मेंबर है, ठीक। कॉप्स की बात करेंगे, CORPSE, ये क्या होता है, डेड बॉडी होता है, इसका मतलब यूज़ क्या है, अ कॉप्स वाज लाइंग ऑन द रोड, मतलब रोड पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ठीक है। कॉप्स और कोप्स में आप सभी ने मतलब समझ लिया होगा, एक का मतलब है CORPS मतलब ब्रांच ऑफ द आर्मी एंड CORPSE मतलब डेड बॉडी, ठीक है। गाइस एक स्लाइड आपकी बची है, मतलब आपके पांचवीं स्लाइड आने वाली है, काउंसिल और काउंसिल, ठीक है। इसके बाद आपका ये सेशन एंड हो जाएगा और फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। अगर आप सभी को सेशन पसंद आएगा तो इसको अप्रिसिएट करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। COUNCIL है एक मीनिंग, दूसरा है COUNSEL। COUNCIL मीन्स क्या होता है, असेंबली मीन्स सभा, ठीक है। यूज़ इसका देखेंगे, मिस्टर शंकर इज़ अ मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल, मतलब मिस्टर शंकर जो हैं वो म्यूनिसिपल काउंसिल के एक मेंबर हैं। COUNCIL मीन्स होती है असेंबली, लेकिन बात करेंगे अगर हम COUNSEL, काउंसिल मीन्स क्या होता है, एडवाइस या फिर सलाह, मतलब विक्की मस्ट फॉलो माय काउंसिल, मतलब विक्की को मेरी एडवाइस या सलाह फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। मस्ट लगा हुआ है, मस्ट में आप एम्फेसाइज करके किसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। विक्की मस्ट फॉलो माय काउंसिल। आई होप गाइस आप सभी को ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और वेट फॉर दी नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट का आप सभी वेट करें। आपको सेशन पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मेहनत को अप्रिसिएट कीजिए। जो भी कमियां लगती हैं बताइए, मैं उन सभी पर वर्क करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।